नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। एमके न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ हाइलाइट्स में आपका बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से शनिवार को देर रात नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही सैयद रिफत अहमद बांग्लादेश के 25वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। दरअसल शनिवार 10 अगस्त की देर रात 9 बजे इसका ऐलान किया गया। सैयद रिफत अहमद बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। वही पूर्व चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से शनिवार को देर रात नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान किया गया। उनके इस्तीफा की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद सैयद रिफत अहमद बांग्लादेश के 25वें चीफ जस्टिस बन गए हैं।